जी, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रथम मुद्दा, पूरे देश में भी बिजली का संकट है, लेकिन अगर हम हरियाणा की खास तौर पर बात करें तो हरियाणा के अंदर पूरा दिन ब्लैक आउट है। करीबन 18-20 घंटे शहरों के अंदर, गांव के अंदर वो कट लग रहे हैं, और इतना बड़ा संकट, लेकिन सरकार की कोई इसमें तैयारी नहीं है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा संकट और कारण, जिस तरह की चर्चा है वो यही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल इनको डीरेगुलेट किया और प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों की मौज करवाई, उसी तरीके से अब बिजली की के क्षेत्र में भी उनकी मौज करवाने की कोशिश दिखाई देती है। क्योंकि एक तरफ महंगी बिजली ले रहे हैं मोदी जी के मित्र, उनके रिश्तेदार हैं, क्या हैं अडानी जी, हरियाणा में अब कह रहे हैं कि उनसे महंगी बिजली ली जाएगी। अगर महंगी बिजली दी जाएगी तो उपभोक्ता को कितनी महंगी दी जाएगी। इसी तरीके से और बिजली के संकट की वजह से पानी की भी बहुत दिक्कत और किल्लत होगी। पूरे हरियाणा के अंदर पानी का, गांव के अंदर, शहरों के अंदर पीने के पानी तक की जो सुविधा है वो आम घर तक, आम जन तक नहीं पहुंच रही है। और इसी के साथ साथ जो मंडियां हैं, हमारे हरियाणा की बहुत सी मंडी हैं, अभी ये कटाई का सीज़न चल रहा है, और उसमें अगर हम देखें उठा करके तो बहुत सी मंडियों का सीधा मंडियों में ना खरीद करके सीधा वो फिर मोदी जी के मित्र और रिश्तेदार उनके सीधे गोडाउन में वो भेजा जा रहा है। पर सरकार पूरी मिली भगत के साथ ये काम करने में लगी है। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि समय रहते लोगों के बारे में सोचिए, किसान के बारे में, गरीब के बारे में, आम जनता के बारे में। अन्यथा इस तरीके से पहले दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से अभी पंजाब में हुआ केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसी तरीके से हरियाणा से लेकर के देश के कमजोरी आपको आने वाले समय में हरियाणा में देखने को मिलेगी, और उसका उस रिक्त स्थान को भरने का काम, उसका विकल्प जो होगा वो आम आदमी पार्टी होगी। डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन सवाल हैं। सवाल ऐसा जुड़ा हुआ है कि जो अलग अलग वर्गों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जाति के समीकरण बैठाने की कोशिश की गई, नाराजगी कुलदीप बिश्नोई किटकुल के सामने आई। आप लंबे समय तक रहे हो हरियाणा की राजनीति में, तमाम लोगों को जानते हो, आपकी निजी भी किसी क्या विधायकों से, किसी नेता से, हरियाणा कांग्रेस से बात हुई हो जो आपके सामने आई हो, नाराजगी है इस पूरे चीज से? देखिए, अभी बात करने की जरूरत नहीं। अभी केजरीवाल जी का स्पष्ट ये कहना है कि हरियाणा के अंदर जो लोग अच्छे हैं, जो नई लीडरशिप है, पहले हम उसको क्रिएट करें, उन लोगों को ज्वाइन करवाएं जिनकी सोशल कैपिटल जिसके पास है, समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया, किसान आंदोलन में, दलित राइट्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, हरियाणा का जिन्होंने हमेशा भला चाहे, पहले उन लोगों को देखें। और जिस दिन हम बात करनी शुरू कर देंगे तो उस दिन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खाली हो जाएंगी। अभी बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, और हम नीचे से अपना गांव-गांव से संगठन को बनाने में, बढ़ाने में, विस्तार करने में और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी देने में लगे हुए, ताकि नई लीडरशिप क्रिएट हो। और कुछ जो परिवारों का विधानसभा में, लोकसभा में पूरा एक कब्जा रहा है, वो कब्जा टूट करके और सत्ता जो है उसका सीधा सीधा फायदा वो हरियाणा के लोगों को मिले। और अब पंचायत के चुनाव भी आप देख रहे हैं कि वो भी सरकार करवाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उसके लिए ये सरकार तैयार नहीं। तो साफ संकेत इस बात का है कि सरकार डरी हुई है,
विपक्ष उनसे डरा हुआ है, और इसलिए जो है हरियाणा में जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसीलिए बहुत ही जरूरत है आज आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की जो लोगों की भावना के अनुरूप काम कर सके। पहला सवाल जो था मेरा कि जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ग हैं जाति वर्ग से उनको बनाया गया, वो लोग हैं जो एक विधानसभा एक जिले के बाहर तो उनको लोग ही नहीं जानते। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट में 2000 के आसपास जिनको वोट मिली, कुछ ऐसे हैं जो पैसे की आदान प्रदान इधर उधर करते हैं, सप्लायर हैं। अब सप्लायरों से अगर कांग्रेस पार्टी चलाई जाएगी, ब्लैकमेलरों से अगर कांग्रेस पार्टी चलाई जाएगी, जो उस तरह के लोग हैं जो साठगांठ करके सत्ता का ईमानदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल जी के नेतृत्व में आए और अपने सपनों का हरियाणा, अपने सपनों का भारत बनाने के लिए अपना सहयोग दें। बाकी मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब में बहुत सी बातें आएंगी, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद है। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जी कमल साहब, आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग बोल रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? और आपने कहा एक नेता एक जाति की पार्टी हरियाणा में, कौन नेता है कौन सी जाति है, और ब्लैकमेलिंग वाली नौबत क्यों आई फिर हरियाणा में? ब्लैकमेलिंग तो इसी में ऐड ऑन करना चाहेंगे कि आप इस मुरादाबाद को आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए ये तो कहीं ना कहीं साठगांठ की भी राजनीति चल रही है हरियाणा में, सरकारों की साठगांठ भी है, पार्टियों के अंदर भी साठगांठ है, और उसका आखिर में अदरवाइज तो हमने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामले से जनता प्रभावित कैसे होती है, इस वजह से हमने ये जिक्र किया। क्योंकि कुछ लोग छोटे लालच में, छोटा लालच आप समझते हैं कि पहले उनको अध्यक्ष चाहिए थी हमारे टाइम में, अब वो सीएल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना कोठी ना बंगला ना गाड़ी, तो अब उनको अपना पपेट बनवाना होता है। तो उस संदर्भ में मैंने ये बात कही है कि कुछ लोग जो है वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिली भगत का मामला है, और आने वाले समय में ये तो हरियाणा के लोग जज करेंगे। वो कई बार कहते हैं कि भाई हम मास लीडर हैं, तो इस आपके माध्यम से हम हरियाणा के लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि 8 चुनाव वो हारे हैं, वो और उनका परिवार, ऐसा नहीं कि नहीं हारे, एक एक की हम काउंटिंग उसकी भी बता सकते हैं, 2 पिछले लोकसभा के चुनाव हारे हैं, और बार बार ये इल्जाम लगाते रहे कि ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी से कितनी बौखलाहट है कि आप इजीली इस बात से समझ सकते हैं कि हर जगह आम आदमी की चर्चा वैसे भी होने लगी, और 36 बिरादरी पूरा हरियाणा पूरा देश आम आदमी की तरफ देख रहा है, केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है, हमारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट को देख रहा है। तो देखिए ये तो उनको देखना है कि नाराज है खुश है, हम तो यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो दरवाजे हैं अच्छे लोगों के लिए खुले हैं, जो अच्छे हैं लेकिन भ्रष्ट नहीं है, जिसके क्योंकि मैं व्यक्तिगत ये पार्टी का एक अपना सिस्टम है, वो मिलकर के तय करती है कि कौन अच्छा है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है।